हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा हम कहते हैं कोई भी चीज होती है या कोई भी वाक्य होता है या वाक्य का समूह होता है जिसे हम सार्थक ध्वनि यानी जिस ध्वनि का कोई अर्थ निकलता हो सार्थक ध्वनि में प्रदर्शित कर सके, मौखिक रूप से बोलकर बता सके, लिखित रूप से बता सके, स्पष्टता से, निश्चितता से यानी निश्चित रूप से बता सके कि इसका अर्थ यही होगा, पूर्ण रूप से किसी चीज का किसी समूह का हम अर्थ बता सकते हैं या शब्दों के समूह का हम अर्थ बता सकते हैं उसे कहते हैं हम भाषा। तो ये भाषा एक टेक्निक है जिसके द्वारा ये सारी चीजें बताई जाती है किसी भी शब्द के समूह के बारे में सार्थक ध्वनि मौखिक रूप से लिखित रूप से या स्पष्टता से या निश्चितता से या फिर पूर्ण रूप से। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इस देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? ये हमेशा बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है और उच्चारण के अनुसार इसको लिखा जाता है। जैसा हम उच्चारण करते हैं ऐसा ही हम लिखते हैं, जैसे देवनागरी तो देवनागरी ही लिखेंगे। उसके बाद में है व्याकरण क्या होती है। बोलने लिखने और पढ़ने के जो भी नियम होते हैं भाषा के अंदर या जो भी अनुशासन बनाए गए हैं जो भी नियम बनाए गए हैं जो भी कायदे बनाए गए हैं उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण का समूह है वर्णमाला कहलाता है। टोटल हिंदी के अंदर 48 वर्ण होते हैं, 48 में से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोग्यवाह होते हैं अयोग्यवाह और 2 उच्चिप्त वर्ण होते हैं। इस तरीके से टोटल 48 यानी कि 48 वर्ण होते हैं। स्वर हमारे पास में 11 होते हैं, ए आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ए ओ औ, इस तरीके से टोटल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन हमारे पास में टोटल 33 होते हैं, 33 होते हैं कैसे ण तक, कै खे गे गे ण 5, च छ ज ज ण, ट ठ ड ड ण, त थ द द ण, प फ व व म, य र ल ब, स स स और है। इस तरीके से टोटल जोड़ लेंगे 4 4 8 8 25 33 33 हमारे पास में व्यंजन होते हैं। 2 होते हैं अयोग्यवाह जिन्हें हम ए के ऊपर बिंदी ए और ए इसको हम कहते हैं, इन दो स्वरों को हम कहते हैं या जो दो जो ये दो वर्ण दिखाए गए हैं यहाँ पर ए के ऊपर बिंदी और ए के आगे विसर्ग ये अयोग्यवाह वर्ण कहलाते हैं। 2 उच्चिप्त वर्ण है हमारे पास में ड़े, ये 2 उच्चिप्त व्यंजन है। अब देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में सबसे पहला भेद आता है हमारे पास में स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसके लिए हमें किसी की व्यंजन की सहायता नहीं होती या किसी और स्वर की सहायता नहीं होती है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर के अंदर ही हमारे पास में री आता है जिसे आजकल री बताया जाता है। इसको हम तत्सम शब्द बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रह, ग्रह में री शब्द है वो आ रहा है, ग्रह कृष्ण ये ग्रत इनके अंदर री का उपयोग होता है। क्योंकि जब री का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं तो भीतर से आने वाली हवा हमारे अंदर हमारे बाधा डालती है, इसको बोलने में बाधा डालती है, इसलिए हम इसको री कह देते हैं। अब स्वर में हम देखें सबसे पहला ऐसे स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर लुप्त स्वर। अब ऐसे स्वर क्या होता है? इसमें बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ओनली सिंगल मात्रा होती है, जैसे ए छोटी छोटा उ और री ओनली सिंगल मात्रा होती है तो इसे हैसिव स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का होता है इसमें डबल मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ बड़ी ई बड़ा उ ए ए ओ औ, तो इस तरीके से ये टोटल 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 4 हैसिव स्वर होते हैं और प्लुत स्वर में हमें पता है प्लुत स्वर कितने होते हैं, ये टोटल 11 स्वर हो गए। टोटल 11 स्वर होने के बाद में
एक होता है प्लूथसर, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ओम में दर्शाते हैं, तो ये होता है प्लूत स्वर। एक होता है आध्वनि वाला स्वर। आध्वनि वाले स्वर में क्या होता है, आध्वनि वाले स्वर में जैसे इंग्लिश के शब्द होते हैं वॉल हॉल, तो ये ऊपर आ रहा है, इसे आध्वनि वाले स्वर कहते हैं। इस तरीके से टोटल हिंदी में 12 स्वर माने जाते हैं, वैसे बेसिकली 11 स्वर होते हैं। अब मात्राएं क्या होती हैं, मात्रा होती है जैसे कि माली है, तो माली के अंदर आ की मात्रा लग रही है और ई की मात्रा लग रही है, इस तरीके से दो मात्राएं हैं यहाँ पर माली के अंदर लग रही हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये मात्राएं कहलाती है। अब मात्राओं के अंदर हम देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले कि जो व्यंजन के साथ जो स्वर मिलता है, जैसे मैं के साथ जो स्वर मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, तो माँ, तो ये आ मात्रा होगी। इस तरीके से मात्रा को हम पहचान करते हैं। ए स्वर के कोई मात्रा नहीं होती, ए मात्रा रहित होता है। अगर मात्रा रहित ए रहेगा तो उसे के आगे हम अलत लगा देते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। और एक हमारे पास में होता है छोटा उ बड़ा उ। अगर रे के साथ में छोटा उ बड़ा उ लगाना है तो मध्य में लगाते हैं, नहीं कि इस तरीके से लगाएंगे, रे के छोटा उ इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ये गलत है। रे के साथ में मध्य में छोटा उ बड़ा उ लगाते हैं, जैसे रूस है, रुगण है। और री को हम इस तरीके से कभी नहीं लिख सकते, रे के आगे हिंग लगा के री को हम कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो रे के आगे री के लिए हंत नहीं लगा जाता है। और से के साथ में अगर री आ रहा है तो उसे श्रृंखला, जैसे इस तरीके से श्रेय बन जाएगा, इसे श्रृंखला कहते हैं, यानी इस तरीके से वर्ड है वो बन जाएगा। आयोगवाह, आयोगवाह कौन कौन से हैं, आयोगवाह में अंग ये वर्ण आता है, अंग आयोगवाह अनुस्वर, इसमें अंग है, इसमें ने की ध्वनि आती है, जो बिंदी ऊपर लगी होती है इसकी ने की ध्वनि उत्पन्न होती है। और ए है इसमें विसर्ग है, विसर्ग है ये तत्सम शब्दों के साथ भी यूज किया जाता है, इसमें जो विसर्ग होता है उसमें है की ध्वनि होती है, जैसे होता है दुख दुख, तो इसमें दु के आगे जैसे दु, ये विसर्ग है, ये कहलाएगा आयोगवाह अनुस्वार, और फिर क्या आएगा, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमें नाक, नासिका का और मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि जांच है, हंसना है, फंसना है, इनमें हमें मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करना होता है।